हेलो दोस्तों, अगर आपको भी अचानक से पैसों के यहाँ पे जो पड़ चुकी है और पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1,000 से लेके 5 लाख रुपए का यहाँ पे लोन ले सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है एकदम RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। पे देख सकते हैं हमारे को जो लोन का अप्रूवल मिला है तो 16,806 रुपए का मुझे यहाँ पे लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। सिर्फ मैंने यहाँ पे दिया एक पैन कार्ड, एक मैंने यहाँ पे दिया आधार कार्ड, इंस्टेंट मुझे लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे 16,806 रुपए का पे 1,722 रुपये लगेगी और जो आपकी GST लगेगी 310 रुपये लगेगी। डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट जो आपके बैंक खाते में आएंगे 14,773 रुपये आपके बैंक खाते में आ जाएंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे 249 रुपये आपको देना पड़ेगा और आपको रिपेमेंट करनी है 17,055 रुपये की, आपको यहाँ पे रिपेमेंट करनी है। अब आपको समझ आ चुका, अभी मैं आपको सामने इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस एप्लीकेशन पर लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 16,806 रुपये का यहाँ पे लोन है जो बैंक खाते में आएंगे, 14,753 रुपये बैंक खाते में यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पे लोन को अप्लाई कैसे करना है, इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक हमें देखना है। इस एप्लीकेशन के बारे में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और कैसे आपको इस एप्लीकेशन पे लोन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 16,806 रुपए का यहाँ पे लोन था, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे बैंक खाते में आए हैं 14,773 रुपए हमारे बैंक खाते में आ चुके हैं और स्टेट ऑफ बैंक इंडिया में जो बैलेंस था मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है और जो मुझे रिपेमेंट करनी है 17,055 रुपए की मुझे यहाँ पे रिपेमेंट करनी है। जो मुझे इंटरेस्ट लगा 36% का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लग चुका है और जो मुझे टोटल रिपेमेंट करनी है 17,055 रुपए की मुझे यहाँ पे टोटल रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। तो भाई काफी कमाल की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे आपको लोन कैसे अप्लाई करना है उसकी ज्यादा जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे देने। तो यहाँ पे आपको काफी सारे लोन के ऑफर यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं नीचे से आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि 7,000 रुपए का, 8,750 रुपए का और 10,500 रुपए का, 11,760 रुपए का, 12,701 रुपए का और 13,718 रुपए का, 14,816 रुपए का, 15,854 रुपए का और 16,806 रुपए का मुझे यहाँ पे लोन मिल चुका है। अगर मैं इसकी रिपेमेंट टाइम पे करूंगा ना उसके बाद मुझे जो ऑफर मिलेगा 17,815 रुपए का मुझे लोन का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको एक काम करना है, अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिलता है आपको उसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से करनी है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की रिपेमेंट टाइम से करते हैं आपकी लिमिट भी बढ़ जाएगी और बाद में आपको जाके आप सिबिल स्कोर भी आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब मैंने यहाँ पे ये वाले लोन को अप्लाई किया था, 7,000 रुपए के लोन को मैंने जब अप्लाई किया तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 8,750 रुपए का मुझे लोन मिला, उसके बाद 10,500 रुपए का। बस आपको इसकी रिपेमेंट टाइम से करते रहने, जैसे जैसे इसकी रिपेमेंट आपको टाइम पे करते रहेंगे आपकी लिमिट यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसकी रिपेमेंट टाइम पे करनी है। अगर आप इसकी रिपेमेंट टाइम पे करेंगे आपको बहुत बड़े अमाउंट का यहाँ पे लोन भी यहाँ पे मिल सकता है। तो मुझे जो 16,806 रुपए की यहाँ पे रिपेमेंट करनी है इसका टाइम मुझे सिर्फ 3 दिन का यहाँ पे बच चुका है। जैसे ही मैं इस 3 दिन बाद इसकी रिपेमेंट पूरी कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे उसके बाद जो ऑफर मिलेगा, तो पूरा ऑफर मुझे यहाँ पे देख सकते हैं कितने का यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो मुझे ऑफर मिलेगा पूरे 17,815 रुपए का मुझे यहाँ पे लोन का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं 17,815 रुपए के लोन वाले ऑप्शन पे टैच करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमारा जो लोन का अमाउंट है 17,815 रुपए का, जो बैंक खाते में आएंगे 15,660 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे और स्टेट ऑफ बैंक इंडिया के अंदर जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा और 18,089 रुपए आपको इसकी यहाँ पे रिपेमेंट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट आपको 36% का यहाँ पे लगने वाला है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन पे लोन यहाँ पे अप्लाई करना है। बस सिर्फ आपको एक काम करना है, इसकी रिपेमेंट आपको टाइम से करते रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पे और मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो इसकी रिपेमेंट की 16,806 रुपए, तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड NOC का। आपको NOC वाले ऑप्शन आपको टच कर देना है। जैसे आप NOC वाले ऑप्शन आपको टच करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो यहाँ पे आपको NOC मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर देना। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे आपको इसको कंटिन्यू कर देना और आप इसको यहाँ पे PDF में इसको ओपन भी यहाँ पे कर सकते हैं। काफी कमाल की एप्लीकेशन है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। इसको जो प्रोवाइड कर रहा है पूना वाला फिनकोरप, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं साई क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा और आपका अमाउंट आ जाएगा 16,806 रुपए। तो यहाँ पे आपको मिल चुकी है एक NOC। अगर आप यही लोन किसी और एप्लीकेशन पे अप्लाई करते
करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी एनओसी देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। और इस एप्लीकेशन पे आपको एनओसी भी देखने को मिलेगी, साथ में आपको ये भी प्रोवाइड किया जाएगा कि किस एप्लीकेशन ने इस लोन को यहाँ पे प्रोवाइड किया था। उसके बाद आपको नीचे की तरह आ जा रहा है, तो आपको इसको दोबारा से यहाँ पे बैक, जो आपको ये लोन के ऑफर दिखा रहा है ना, तो इसीलिए आपको लोन के ऑफर दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से की है। अगर मैं 10,500 रुपये के लोन को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, यहाँ पे 24% का सिर्फ लगा है मुझे, 24% का इंटरेस्ट आपको किसी भी एप्लीकेशन पे देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। पर इस एप्लीकेशन पे मुझे जो इंटरेस्ट दिखा रहा है सिर्फ 24% का दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैं इसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से करता हूँ, मैं इसका रेगुलर कस्टमर हूँ। अगर आपको भी इस एप्लीकेशन से लोन मिलता तो आपको सिर्फ इसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से करनी है। तो 10,500 रुपये का यहाँ पे लोन है, 9,230 रुपये आपके बैंक खाते में आ जाएंगे, 10,604 रुपये की आपको रिपेमेंट करनी है और स्टेट ऑफ बैंक इंडिया के अंदर जो बैलेंस है आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा कुछ आप अच्छे से यहाँ पे रीड भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक आ जा रहा हूँ, बैक आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोन में यहाँ पे ले चुका हूँ, फर्स्ट लोन, सेकंड लोन, थर्ड लोन, फोर्थ लोन, 5, 6, 7, 8 काफी सारे लोन में यहाँ पे ले चुका हूँ। बस मुझे इसकी रिपेमेंट टाइम से करते रहने, और जैसे जैसे आप इसकी रिपेमेंट करते रहेंगे अपने लोन को क्लोज करते रहेंगे, साथ में आपको एनओसी लेटर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लोन एनओसी लेटर, एनओसी लेटर यहाँ पे काफी सारे आपको एनओसी लेटर मिलेंगे। और एनओसी लेटर का आपको बहुत ही यहाँ पे फायदा भी आपको पता होगा, कहीं पे भी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं अगर आप वहाँ पे एनओसी लेटर दिखा देते हैं तो वहाँ पे आपका जो ट्रस्ट वहाँ कंपनी के ऊपर काफी बढ़ जाता है और उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से लोन भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको समझ आ चुका, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे पहले तो आप इसकी रेटिंग को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 4.5 की इसकी रेटिंग है जिसका डाउनलोड यहाँ पे 1 करोड़+ इसके यहाँ पे डाउनलोड है। उसके बाद आपको अबाउट पे आ जाना, अबाउट पे आने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एप्लीकेशन आरबीआई से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे लिखा है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन ऐप इन इंडिया फॉर ईएमआई शॉपिंग एंड इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो 2,00,000 रुपये का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, एनबीएफसी अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है, तो 100% एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में रहने वाली है, 18 से लेकर 36% का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से रीड भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जो प्रोवाइड कर रहा है साई किरेवा कैपिटल, मैच फाइनेंशियल कैपिटल, पूनावाला फिनक्रोप, यहाँ पे नॉर्थन एआरसी, उसके बाद पीरामल फाइनेंस। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर से साइन अप करना है, केवाईसी करनी है, साइन इन और लोन लाइन एग्रीमेंट को अप्रूवल करवाना है, इंस्टेंट ये लोन होना आपके बैंक खाते में आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, किसी प्रकार के बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत है, ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है, ईमेल से भी आप बात कर सकते हैं, साथ में आपको केयर नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा। आपको 2 केयर नंबर मिल जाएंगे, सुबह यहाँ पे 8 बजे से लेके शाम को आप 6 बजे तक इनसे आप कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको इनके यहाँ पे एड्रेस भी मिल जाएगा, एड्रेस को भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पे 2015 में आई थी, अभी 24 चल रहा है, 8 साल एप्लीकेशन के यहाँ पे एप्लीकेशन है और जो काफी पुरानी एप्लीकेशन है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करती है। अगर आपको इस एप्लीकेशन पे लोन की जरूरत है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आप मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम है किस्त इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट। इसकी रेटिंग मैंने आपको बता दी 4.5 की इसकी रेटिंग है, 1 करोड़+ यहाँ पे डाउनलोड है, काफी कमाल की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे आपको सिर्फ एक पैन कार्ड देना है, एक आपको आधार कार्ड देना है, किसी प्रकार की कोई भी सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे नहीं देनी और इंस्टेंट आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपये तक का आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।